हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टिप्स में। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि हम किस तरीके से अपने पीडीएफ फाइल को एक एडिटेबल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि हम किस तरीके से जेपीईजी फाइल को भी एक एडिटेबल फाइल बना सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरीके से अपनी एमएस वर्ड, अपनी पावर पॉइंट और अपनी एमएस एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास दोस्तों ये एक्सेल की फाइल ओपन है। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मेरे को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ एमएस ऑफिस के ही वर्जन में इंस्टॉल होता है, बशर्ते आपके पास जो एमएस ऑफिस आप यूज कर रहे हो वो 2010 या 2010 से अपर वर्जन का हो। कोई भी वर्जन हो, 2010 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, ऑफिस 365 हो, कोई भी वर्जन आपके पास अगर एमएस ऑफिस का अवेलेबल है तो आप एमएस ऑफिस के किसी भी टूल के अंदर, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो या एमएस पावर पॉइंट हो, उसमें इसी ट्रिक की हेल्प से इजीली अपने फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको फाइल ओपन करनी है। ओपन करने के बाद फाइल में जाना है और यहाँ से सेव एज पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करोगे, आपसे पूछता है कि आपको ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है। अब जैसे मेरे को ये फाइल सपोज दिस पीसी के अंदर और डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा, ओपन कर दूंगा। जैसे ही मैं करूंगा, ये मुझसे सारे फाइल्स जो भी डेस्कटॉप के ऊपर है वो दिखा रहा है। अब ये मुझसे फाइल का नाम पूछ, अब आपको इस फाइल का नाम क्या रखना है। जैसे मैंने एक्सेल टू पीडीएफ रखा हुआ है। फिर ये सेव एज टाइप पूछ रहा है। अब आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से एक पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पीडीएफ के ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे आप इस पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसको सेव कर दोगे तो ये फाइल आपकी पीडीएफ में सेव हो गई, साथ ही साथ कन्वर्ट होकर ओपन भी होगी। तो ये देखिए, ये आपकी फाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है और ओपन हो गई। तो इस तरीके से हम एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से हम एमएस वर्ड की फाइल को भी कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं। हमें जाना है अपनी फाइल के ऊपर, यहाँ से जाना है फाइल पे। फाइल में जाने के बाद सेव एज, सेव एज में फिर वही पाथ देना है डेस्कटॉप, और यहाँ से हमें उसका डॉक्यूमेंट का अपने नाम लिख देना है, कुछ भी नाम लिख दो पीडीएफ, और यहाँ से फिर सेव एज टाइप, यहाँ से फिर हम चूज करेंगे पीडीएफ, और यहाँ से हम कर देंगे इसको सेव का ऑप्शन सिलेक्ट। जैसे आप सेव करोगे, ये फाइल आपकी पीडीएफ में सेव हो गई है और ओपन भी हो गई है। तो इस तरीके से हम अपनी एमएस वर्ड की फाइल को बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से इजीली पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपनी पावर पॉइंट की फाइल को भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास पावर पॉइंट की फाइल खुली हुई है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है पीडीएफ के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, फाइल ओपन करूंगा और यहाँ से जाऊंगा फाइल टैब के अंदर, यहाँ से सेव एज, सेव एज के बाद डेस्कटॉप के अंदर। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है फाइल का नाम और सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में आपको अगेन पीडीएफ ही यूज करना है और फाइल का नाम जो आपको देना है वो दे सकते हो और यहाँ से आप सेव कर सकते हो। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपकी पीडीएफ की फाइल भी कन्वर्ट हो गई है। तो हम ये बेसिक तरीके से बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, बिना किसी ऑनलाइन सर्फिंग की मदद से अपने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट की फाइल को इजीली पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।